दोस्तों, आपने हाल ही में 8 फरवरी उत्तराखंड की धौलीगंगा नदी में बाढ़ को देखा और उसके बारे में सुना भी, जिसमें लगभग 36 लोगों की डेड बॉडी मिली और लगभग 169 लोग मिसिंग थे। लेकिन ये बाढ़ क्यों आई, आज हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आपसे ये जिक्र करने वाला हूँ कि अगर यही हाल टिहरी डैम में हुआ होता तो उत्तराखंड का और बाकी के शहरों का क्या हाल होता। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर टिहरी डैम टूटता है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचाई वाला डैम है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और इसीलिए इसका जलाशय का क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है। इसका जलाशय का जो क्षेत्र है वो है 42 वर्ग किलोमीटर और इसकी जलाशय की जो क्षमता है वो है 354 करोड़ घन मीटर, जिसमें से 261 करोड़ घन मीटर जल इसमें भरा हुआ है। और यह जो डैम है उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में आता है और जहाँ पर यह बना हुआ है वह क्षेत्र भूकंप जोन में आता है, इसीलिए यहाँ पर भूकंप आने का खतरा बना रहता है। यदि रिएक्टर स्केल पे ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप आता है तो इस क्षेत्र के डूबने के साथ साथ पूरे उत्तर भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इस बात को बनाने का विरोध नहीं हुआ, जब यह बाद बना तो इसका खूब विरोध हुआ। एक प्रसिद्ध अमेरिकी भूकंप वेता प्रोफेसर ब्रेने ने कहा था कि अगर यह बाद अमेरिका में बनता तो इसे बनने की कभी भी अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि यह डैम उच्च भूकंप वाले क्षेत्र में बना हुआ है। वैसे सुरक्षा की दृष्टि से ये डैम 9 रिएक्टर स्केल के भूकंप को सहन कर सकता है, लेकिन कभी इससे ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप आया तो इसके जो परिणाम हैं वो डरावने होंगे। इस बाद में भागीरथी और भिलंगना नदियों का पानी एकत्रित होता है और यह जहाँ पर एकत्रित होता है वहाँ कभी टिहरी शहर हुआ करता था, जिसे पुरानी टिहरी के नाम से जाना जाता था, जिसमें सैकड़ों गांव हुआ करते थे और इन लोगों को नई टिहरी और देहरादून के अलग अलग इलाकों में बसाया गया था। और अगर कभी आपदा के कारण यह डैम टूटता है तो इसका असर पश्चिम बंगाल तक देखा जाएगा और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा हरिद्वार और ऋषिकेश में, ये शहर पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिहरी डैम में कितना पानी भरा हुआ है। देखिए, जल का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है और जब हाइड्रो पावर प्लांट तैयार किए जाते हैं तो इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी को एकत्रित किया जाता है और इस पानी को एक निश्चित ऊंचाई से गिराकर टरबाइंस को चलाया जाता है ताकि इनके चलने से पावर मिल सके। और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर इतना पानी एकत्रित किया जाता है। तो ये तो हमने बात करी टिहरी डैम के नुकसान की कि अगर भविष्य में कोई आपदा आती है तो इससे हमें क्या नुकसान होगा। आइए अब बात करते हैं कि जब से टिहरी डैम बना है या टिहरी डैम के बनने से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, जब टिहरी डैम पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाएगा तो इससे लगभग 2400 वाट की बिजली का उत्पादन होगा, जिससे कई शहरों को रोशनी मिलेगी। फिलहाल इसमें 1000 वाट की बिजली का उत्पादन होता है, क्योंकि यह अभी पूरी तरह से प्रारंभ नहीं हुआ है। इसके अलावा इस जल का प्रयोग 400,000 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई के लिए किया जा रहा है और अब तो टिहरी डैम को एक पर्यटक स्थल के रूप में भी प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 40,00,000 लोग टिहरी डैम के पानी का पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस डैम के बन जाने के बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की स्थिति काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि गंगा नदी के कारण इन शहरों में बाढ़ हमेशा ही आती थी, जो कि इस डैम के बन जाने के कारण अब कम हो गई है।
टिहरी डैम को बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे देश को लगभग 2000 करोड़ का फ़ायदा बिजली उत्पादन कर होता है। दोस्तों, मेरा तो मानना ये है कि विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए आपको और भी साधन मिल सकते हैं या और भी साधन हो सकते हैं, लेकिन हम भविष्य में कोई भी ऐसी आपदा ना आए जो हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो, ऐसी कामना करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि टिहरी डैम का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।